हे गाइस, तो गाइस मैट मॉर्गन ने रोमन रेंज के न्यू करेक्टर के बारे में कुछ कहा है कि कैसा होना चाहिए एंड बेली पे कैश इन करने की कोशिश की टिफनी स्टेटस ने। डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा है कि जो जजमेंट है वो ब्लड लाइन से ज़्यादा बेटर है। और गाइस हमारे ड्रू मैकइंटायर एंड सीएम पंक की स्टोरी लाइन समर स्लैम के बाद और ज़्यादा इवॉल्व होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है रोमन रेंज से। तो मैट मॉर्गन ने यह कहा है कि रोमन रेंज को रिटर्न करना चाहिए, तो उन्हें रिटर्न करके ये नहीं कि हारना चाहिए, हार जाए बंदा बार बार बंदे के साथ ये हो जाए, ऐसे नहीं। उन्हें हील पर सोना रखना चाहिए, वही चाल डाल रखनी चाहिए, लेकिन वो रहें फेस, मतलब एंटी हीरो करेक्टर लाइक ब्लैक एडम, नहीं जैसे डीसी में, वही सेम चीज़ रोमन रेंज करे, मतलब फेस रह के भी हील वाले काम करें, मतलब फेस रहें बट हील वाले कामों के साथ। तो ये चीज़ कही है मैट मॉर्गन ने, और मैट मॉर्गन चाहते हैं कि ये चीज़ हो, रोमन रेंज जो हैं वो एक फेस में रहें बट हील करेक्टर के साथ, हारे नहीं। ये नहीं उनका करेक्टर हार रहा है, बार बार वो लूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ ना हो। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे जेकब फाटू से। जेकब फाटू ने पूरी तरह ओवर शैडो कर दिया सोलो स्कोआ को, एंड गाइस जो उनके व्यूज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एंड जेकब फाटू पूरी तरह से ओवर शैडो कर चुके हैं सोलो स्कोआ को। आप ये देख सकते हो व्यूज़ जो हैं वो जेकब फाटू के ज़्यादा आ रहे हैं सोलो स्कोआ से, रैदर दैन की रोमन रेंज का भी बीच में किया गया था। लेकिन गाइस जेकब फाटू जो जिस लेवल पे जा रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है, अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे टिफनी स्टेटस से। टिफनी स्टेटस ने लाइव इवेंट में कैश इन करने की कोशिश की बेली पे, लेकिन बियांका प्लेयर ने एंड मौके पे बेली को बचा लिया। लेकिन गाइस टिफनी स्टेटस कैश इन करेगी एंड वो कैश इन सक्सेसफुल होगा, उसके बाद वो चैंपियन बनेगी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो से। डोमिनिक मिस्टीरियो ने ये कहा कि ओजी ब्लड लाइन है टॉप फैक्शन डब्ल्यू लीग की, बिकॉज रीजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्शन एंड बेस्ट फैक्शन, बट जो जजमेंट डे है उसने हर जगह डोमिनेट किया, जजमेंट डे उससे बेटर है बिकॉज एनएक्सटी स्मैकडाउन डब्ल्यू लीग रॉ हर जगह डोमिनेट किया है ओजी ब्लड लाइन हमारी जजमेंट डे, यानी जजमेंट डे ने डोमिनेट जरूर किया है, क्योंकि गाइस उसमें जो रिया रिप्ले वर्ल्ड वर्ल्ड टाइटल चैंपियन रही है, डोमिनिक मिस्टीरियो हमारे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन रह चुके हैं, एंड गाइस हमारे जो ब्लड लाइन सॉरी जजमेंट डे के मेंबर है डेमियन ब्रिज एंड फिन बैलर, ये अनडिस्प्यूटेड टैग टीम रह चुके हैं, और जब अब फिर टैग टीम है फिर से मामी वापस आ चुकी है। तो ये चीज़ कही है हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो ने कि हाँ बेस्ट है इस टाइम पे हमारी जजमेंट डे जो टूटी नहीं बिकॉज ऑफ रीजन अभी तक। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी हुई है हमारे सीएम पंक एंड ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस। तो गाइस कहा जा रहा है कि सीएम पंक एंड ड्रू मैकइंटायर की स्टोरी और ज़्यादा इवॉल्व होगी आफ्टर समर स्लैम, एंड गाइस इन तीनों की स्टोरी साथ ही चलेगी, और गाइस ये रेसलमेनिया 41 तक जाएगा, और ये चीज़ होने वाली है बिकॉज ऑफ रीज़न डब्ल्यूडब्ल्यूई बना के जा रही है प्लान। अब ड्रू मैकइंटायर कल की मंडे नाइट रॉ में वापस आने वाले, उनका बैन हटने वाला है एंड रिटर्न करने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर। अब वो क्या कहते हैं, क्या होता है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है कि समर स्लैम तक हमारे जो हैं सीएम पंक वो क्लियर हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे फाइट के लिए, एंड इनकी फ्यूड होगी और ज़्यादा। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे गाइस बॉबी लैशली से। बॉबी लैशली को एक बार टाइटल दे दिया गया, वो यार इंजर्ड हो गए हैं, रिटर्न करेंगे, लेकिन गाइस उनका करेक्टर को उस लेवल तक लेके नहीं गए गए, एंड डब्ल्यू के कई फैंस चाहते हैं, कई बैक से चाहते हैं बंदे की बॉबी लैशली को एक बार ऑल वर्ल्ड टाइटल रेन दिया जाए, बिकॉज उनका टाइटल रेन तो आता है, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का भी रेन आया, लेकिन वो टिकता नहीं उतना, एंड वो डाउन हो जाता है करेक्टर जब वो इंजर्ड होते हैं। तो ये मानना है किसी बंदे का कि उन्हें एक वर्ल्ड टाइटल रेन और देना चाहिए। और हमारे गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है ट्रिपल एच से। मैट मॉर्गन कहते हैं ट्रिपल एच, तो गाइस हमारे नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है ट्रिपल एच से। मैट मॉर्गन कहते हैं ट्रिपल एच को एक जो है स्टोरी लाइन वो लॉन्ग टर्म चला रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन को वो बेस्ट वे से बुक कर रहे हैं, और ट्रिपल एच की यही चीज़ अच्छी है कि वो लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन को लेकर चल रहे हैं और उन्हें बेस्ट वे से बुक कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी गाइस हमारे गाइस एज स्टाइल से। तो एज स्टाइल का रिटर्न कब तक होगा, एंड माना जा रहा है कि एज स्टाइल रिटर्न कर सकते हैं बट उनके लिए कोई प्लान नहीं है समझ लाइन में, इसीलिए वो जापान में गए थे फ्यूड करने, एंड ये स्काई भी की थी, मैच जीत गए, लेकिन गाइस अब उनके लिए कोई प्लान्स नहीं लग रहे हैं। देखो किस प्लान्स में डाला जाता है, कहाँ पर डाला जाता है और किस चीज़ में उन्हें इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस जुड़ेगा इस हमारे लोगन पॉल से। लोगन पॉल हार सकते हैं समर स्लैम में, और उसके बाद उनका मैच जो है वो हो सकता है
मतलब शायद वो लीव लें डब्ल्यू से, वो हार सकते हैं। रीज़न, उन्हें लीव दी जा सकती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लोगन पॉल को लीव मिल सकती है, लोगन पॉल लीव लेके जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। लोगन पॉल हार के लीव ले सकते हैं, एंड गाइस दे माना जा रहा है कि समर स्लैम के बाद उनकी लंबी लीव हो। तो गाइस ये अपडेट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।